प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। तहसील सदर के हल्का नंबर 65 तरकुलही के लेखपाल प्रवीण कुमार शाही पैमाइश के नाम पर 16,000 रुपए का घूस लेते हुए कैमरे में हुआ कैद। मुकदमा हुआ दर्ज की जा रही है आगे की कार्यवाही। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने दी जानकारी। पुलिस मुठभेड़ में कैंट व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने 2 अंतरजनपदीय लुटेरे व चैन स्नेचर को किया गिरफ्तार। गोली लगने से एक अभियुक्त हुआ गंभीर रूप से घायल। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी का बिना नंबर का पल्सर मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल, 10,000 रुपए नकद किया बरामद। SSP ने किया खुलासा। जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुआ संपन्न। कार्यों को बरसात से पहले पूरा करने के दिए निर्देश। रोगी कल्याण समिति के शासी निकाय अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने की बैठक। चल रहे कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए दिए निर्देश। भटट ब्लॉक के औरंगाबाद में CDO इंद्रजीत सिंह ने लगाया चौपाल। कहा अधिकतर मामले पेंशन, राशन, पानी व सड़क से आए संबंधित। मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तकनीकी पहलुओं पर जानकारी हेतु जिले के समस्त खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत सचिव, खंड प्रेरक, तकनीकी सहायकों एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के कार्यशाला का किया गया आयोजन। गांव के कार्यों को विकास को गति देने के लिए दिया गया प्रशिक्षण। शहर को जाम से मुक्त करने के लिए SP ट्रैफिक के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कहा सभी नागरिक अपने स्वेच्छा से हटा रहे हैं अतिक्रमण। कानून का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई। नर्सिंग डे के अवसर पर जिला महिला चिकित्सालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। फ्लोरेंस नाइटेंगल के चित्र के समक्ष केक काटकर सभी नर्सों को नर्सिंग डे की दी बधाई। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले एक अभियुक्त को शाहपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने फाइलेरिया से बचाव की दवा खुद खाकर और 11 वर्षीय अंशुमान पटेल को दवा खिलाकर 12 मई से 27 मई तक चलने वाले MDA अभियान का किया शुभारंभ। कहा विश्व के 40% फाइलेरिया के मरीज रहते हैं भारत में, इससे बचने के लिए 5 साल तक लगातार फाइलेरिया से बचाव की दवा का करें सेवन। और सेंट्रल एथलेटिक्स कोचिंग कैंप के लिए गोरखपुर मंडल के विभिन्न जिलों के सभी खेलों के लिए 400 बच्चों का हुआ ट्रायल। 78 बच्चों का ट्रायल के आधार पर हुआ चयन। विभिन्न मंडलों के मुख्यालय पर फाइनल सिलेक्शन के बाद चयनित बच्चों का स्पोर्ट्स कॉलेज और स्पोर्ट्स हॉस्टल में मेरिट के आधार पर किया जाएगा चयन।